लॉन्नू विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज रावणा राजपूत समाज ने आनंदपाल सिंह के भाई मंजीत पाल सिंह की अगुवाई में भाजपा प्रत्याशी करणी सिंह को अपना समर्थन दिया है। वहीं निर्दलीय रूप से ताल ठोकी भाजपा बागी प्रत्याशी मनीष शर्मा ने भी आज अपना नामांकन पत्र वापस लिया है और भाजपा प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है। सुनिए क्या कहा आनंदपाल सिंह के भाई मंजीत पाल सिंह और रावणा राजपूत समाज के लोगों ने। अपना नॉमिनेशन वापस लेने के बाद मनीष शर्मा भी मीडिया से रूबरू हुई। सुनिए क्या कहा सभी लोगों ने। आपा ने काय करना है, अगर कोई ने सलाह लेनी है, कोई राय लेनी है या कोई चीज पूछनी है तो आप बेशक खड़े हो, क्योंकि कई कई बयान है, कई प्रकार का सवाल है। सवाल छोटा और कम समय में हजार वोटर है जो कि हार जीत का फैसला वही करते हैं कि ये जो जीत जारी वो किसकी झोली में जारी है। तो राणा राजपूत समाज के अंदर भी एक माहौल बना हुआ था कि अगर मंजीत भाई साहब को टिकट मिलती है तो क्या राजपूत समाज हमारे साथ में होगा। तो जब हमने फिर से लिया वहाँ घूम के गांव के अंदर, तो ये नतीजा निकल के आया कि अगर भाई साहब मंजीत पाल सिंह को भी टिकट मिलती है तो राजपूत बिरादरी है वो पूरा पूरी की पूरी इनके साथ है। अब जब हमारे पास अब टिकट इनको मिली है तो हम रावणा राजपूत समाज के लोग इनको आश्वस्त करते हैं कि हमारे जो 25,000 वोट है जो लालू विधानसभा के वो 100% करनी बना की झोली में जाएंगे। समस्त लाडनू विधानसभा क्षेत्र मेरा एक परिवार है और केंद्रीय नेतृत्व व प्रदेश नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान शिवपी जी जोशी का आज मेरे पास सुबह फोन आया था और उनका ये आदेश था कि आप वहां से फॉर्म उठाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपने समर्थन से, मत से और अपने प्रयास से उसको विजयी बनाएं। और मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं अलग नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों को की पूरी पालना करूंगी और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से सफल बनाऊंगी। और इस प्रयास में मेरा भाई मंजीत और एक सरपंच साहब है हरी जी, एक राजेंद्र जी दयालपुरा से, इनका बहुत सहयोग रहा है। तो मैं ये सभी से अपील करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएं और मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।